बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बर्नौलीज इक्वेशन, जिसको हम बर्नौलीज थ्योरम भी अक्सर कहते हैं। तो बर्नौली एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने हमें ये थ्योरम पेश किया था, ये जिसने हमें इक्वेशन दी थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, काफ़ी दफ़ा फाइनल एग्जाम में आ चुका है। तो कोशिश करें लेक्चर को शुरू से एंड तक देखें, इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ें भी हलवा मक्खन मलाई हो जाएंगी विद कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग इन स्टेडी स्टेट इज कॉन्स्टेंट एट ईच पॉइंट अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन। है अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लूइड उसने कौन सा कहा है, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टेडी स्टेट हो, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, ये आइडियल फ्लूइड की हैं, ठीक है। तो फ्लूइड हमने कौन सा लेना है, आइडियल फ्लूइड लेना है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस ना हो सके, जिसका हम प्रेशर अप्लाई करने पे भी कंप्रेस ना हो, उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, यानी उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। और नॉन विस्कस फ्रिक्शनल इफेक्ट उसकी लेयर्स के दरमियान ना हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में काफ़ी तफसील से बता चुके हैं। और स्टेडी स्टेट मतलब स्मूथ फ्लो कर रहा हो। तो ये सारी कंडीशन किसकी हैं, आइडियल फ्लूइड की हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड एट एनी पॉइंट, ठीक है, दैट इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड दैट इज फ्लोइंग इन अ पाइप एट एनी पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे बर्नौली इक्वेशन क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन वगैरह वो सारा मैथमेटिकल वगैरह वो बाद में उस पर आएंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट नहीं, देखें गौर से, अगर हमारे पास ये एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के, एक तरफ से पाइप ये मोटा है, एक तरफ से पाइप ये पतला है, तो ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। और ये उसमें कोई भी आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर एज अ आइडियल फ्लूइड। तो ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो अर्थ से इसकी हाइट है ये कितनी है, एच वन इसको ले लें और यहाँ पर हाइट है एच टू ले लें, ठीक है। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट कम है, ठीक है। अब हाइट है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड जो इसमें फ्लो कर रहा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ऐसा ही है। और क्योंकि हम फोर्स पीछे से अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी तो ये फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि मैं प्रेशर भी अप्लाई कर रहा हूँ पीछे से तभी तो फ्लूइड फ्लो करेगा, यानी प्रेशर भी है। तो यहाँ भी सेम यही टर्म होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्रेशर भी होगा, ऐसा ही है ना। तो प्रेशर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर ही पूरा लिख देते हैं प्रेशर। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, कहता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप इन तीनों का सम लें, हमेशा सेम आएगा। जो आंसर यहाँ पर इन तीनों के सम से आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा इन तीनों के सम से। हालांकि यहाँ पर हाइट कम है, यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, फिर भी इन तीनों का सम किसी भी पॉइंट पर ले लें सेम आएगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ मर्जी इनका सम लें सेम आएगा। अब देखते हैं किस तरह से सेम आएगा, एक छोटी सी बस आपको एग्जाम्पल दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर है, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पर देखें कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मान लें कि जो हमारे पास है, या इसके ना तरतीब इसको इस तरह से दे लेते हैं कि क्योंकि जैसे डेफिनेशन में है प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेम इसी तरह इधर भी कर लेते हैं कि प्रेशर, आसानी हो जाएगी, जस्ट और कुछ नहीं, तरतीब वही भी रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ओके हो गया। तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा वो चीज़ देखते हैं। देखें यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर जो है ना वो, फॉर एग्जांपल जो प्रेशर है यहाँ पर 12 है, प्रेशर कितना है 12 है,
और देखिए याद रखें कि जहाँ पर स्पीड जो हमारे पास फ्लूइड की स्पीड कम होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आगे जाके एप्लीकेशन में इस पर तफसील से बात करेंगे, फिलहाल इतना याद रखें जहाँ पर स्पीड कम होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कम होगी। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कम है लिहाजा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लें 12 है, अपने पास से मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कम होगी। मान लें कि जो वो फ्लूइड की स्पीड है ना, कम होने की वजह से ज़ाहिर है फिर काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। फ्लूइड की स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो मान लें कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो 6 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है मान लें कि वो 10 है। ओके हो गया, अपने पास से मैंने वैल्यूज लिया, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। तो 12 + 10 22 + 6 28। तो यहां पर जो इन सब का सम आ रहा है ना वो 28 है। ओके हो गया। अगर यही सेम टू सेम सम यहां पर भी आ जाता है, इसका मतलब है बर्नौलीज़ इक्वेशन ठीक कह रही है। ओके हो गया। तो देखते हैं कि यही सम सेम टू सेम यहां पर आता है या नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल यहां पर जो प्रेशर है, प्रेशर यहां पर याद रखें कि जहां पर फ्लूइड की स्पीड तेज हो जाती है, वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो, ठीक है, ये याद रखना। बहरहाल इसको नेक्स्ट टॉपिक्स में तफसील से इसको समझाएंगे, अभी जैसे इसको याद कर लें। तो यहां पर प्रेशर मान लें 12 था तो यहां पर रह गया 7। प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है स्पीड ऑफ फ्लूइड के तेज होने से। काइनेटिक एनर्जी, यहां पर फ्लूइड की स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा तेज होगी। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने हिस्से की, पहले इतने हिस्से की फॉर एग्जांपल हमने बात की है। तो इतने हिस्से में काइनेटिक एनर्जी फिर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, पानी अच्छा खासा तेज बहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मान ले काइनेटिक एनर्जी पहले जो 6 थी, ठीक है, पहले जो 6 थी अब वो बढ़ के हो गई है, मान ले 13 हो गई है। कितनी हो गई है? 13 हो गई है, सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो पहले 10 थी, हाइट ज्यादा है ना, अब हाइट कम हो गई है, मान लें कि वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है 8, ठीक है। जस्ट मैंने अपने पास से वैल्यू जस्ट समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है। तो पहले प्रेशर 12, यहां पर प्रेशर 7 हो गया, ज्यादा कम। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम है तो 6 हमने ले ली, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो 13 ले ली, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो 10 ले ली, यहां पर हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी 8 ले ली, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। तो फिर से देखते हैं 13 + 7 20 + 8, फिर से इन सबका सम 28 नहीं आया। तो ये बर्नौली इक्वेशन आ कहती है कि किसी भी पॉइंट पर कुछ वैल्यूज किसी भी पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर ले लें तो जो पहले वैल्यूज ज्यादा है वो कम हो जाएंगी, जो फॉर एग्जांपल कम है वो ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे कम नीचे ऊपर नीचे वैल्यूज होती रहती हैं, लेकिन जैसे इनका सम लेंगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर उनका सम लें तो जो आंसर यहां पर आ रहा है सेम वही आंसर यहां पर भी आएगा इन तीनों का। किसी भी पॉइंट पर ले ले हमेशा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमें कहती है बर्नौलीज़ इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन क्या थी जो हमने प्रूव करनी है, जो हमने निकालनी है, ठीक है, वो क्या है? प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देखें तो प्रेशर P1 है, हाफ रो वी 1 वेलोसिटी वाला है, ठीक है, हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच, ठीक है, इसको वी मान कह ले, इसको एच मान कह ले, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केयर प्लस रो जी एच 2, ठीक हो गया जी। यहां पर देखें इस, अगर इतने वॉल्यूम की हम बात करें तो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका जो सम आएगा सेम वही यहां पर आएगा। यहां पर फॉर एग्जांपल प्रेशर P2 है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V2 स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच 2 है। ओके हो गया। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है, इसको सिंपल फिर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
सही। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ये यहाँ पर कहानी समझाएंगे, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, पी प्लस ये पर यूनिट वॉल्यूम आया कैसे है। रो की जगह मैं एम बाई वी लिख सकता हूँ, तो एम बाई वी जब लिखेंगे तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वॉल्यूम प्लस इसकी जगह भी एम बाई वी लिखें, ये वॉल्यूम वाला वी है जी एच। तो रो जी एच क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ एम वी स्केयर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये प्रेशर, तो इन तीनों का सम, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब का आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। ओके है, ये बर्नौली इक्वेशन हमें कहती है। तो कॉन्सेप्ट सारा यही तक था, आगे जस्ट इसकी डेरिवेशन है कि ये हुआ कैसे, कि ये इक्वेशन आई कैसे है, बस ये डेरिवेशन इसकी हो गई, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो मैं कहता हूँ बस सब कुछ हलवा मक्खन मलाई है। तो ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलनी। अब हम इसकी कहाँ से है, हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें आई कैसे हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था इसमें, एक सिर्फ वो एक छोटू सा प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट आएगा तो बस वो उसको देख लेंगे। तो यहां पर देखें, मान लें ये वही हमने पाइप लिया, ये वही पाइप है, ठीक है। यहां पर हाइट h1 है, यहां पर हाइट h2 है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको आप a1 कह दें, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इसको आप a2 कह दें, ठीक है। और यहां पर ना हमने एक वॉल्यूम सेगमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक छोटा सा वॉल्यूम सेगमेंट, ये सारा वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर भी वॉल्यूम सेगमेंट एक छोटा सा कंसीडर कर लिया फ्लो, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि जितना वॉल्यूम डेल्टा टी में यहाँ से इंटर होगा उतना ही वॉल्यूम डेल्टा टी में यहाँ से लीव करेगा। एक ये छोटा सा वॉल्यूम है, ये यहाँ से डेल्टा टी टाइम में इंटर हो रहा है, तो ये छोटा वॉल्यूम डेल्टा टी टाइम में यहाँ से उतना ही लीव कर जाएगा, ठीक है। जैसे गाड़ी में पता क्या होता है कि पिछली सीट पर अगर तीन बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम कोशिश करें कि चौथा बंदा घुसेड़ दें उस गाड़ी में, तो चौथा बंदा चाहेगा कि यहाँ से बैठे, तो जब चौथा बंदा बैठेगा, गाड़ी में सिर्फ तीन से ऊपर नहीं बैठ सकते, ठीक है, ऐसी कोई गाड़ी है पिछली सीट जो उसकी होती है, यहाँ से चौथा बंदा कोशिश करेगा कि वो भी अंदर बैठे, जब वो अंदर बैठेगा तो इस तरफ वाला जो पहला बंदा है वो बाहर निकल जाएगा, तो गाड़ी में फिर बंदे कितने हो गए, तीन, तो एक बंदा आया एक बंदा गया, सेम यही साहब इधर भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें ना कि किसी तरीके से मैं तीन बंदे पीछे बैठे हुए हैं, मैं चौथा बंदा पीछे बिठा दूँ, तो बैठ तो जाएगा लेकिन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं, आइडियल फ्लूइड, डेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो इस वजह से तीन बंदे पीछे बैठे हैं, एक बंदा यहाँ से एंटर हुआ, इधर वाले पहले को निकलना पड़ेगा, तब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। सेम इसी तरह यहाँ से अगर ये कुछ वॉल्यूम वाटर निकल आ रहा है तो यहाँ से इसको निकलना पड़ेगा, तो जितना आ रहा है उतना निकल रहा है, डेंसिटी कांस्टेंट है, और यही फिनोमेना है, सही है। तो ये वाला जो जिस तरह से इसको हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा एक्स वन, इतना ये ट्रेवल किया, डेल्टा एक्स वन छोटे सेगमेंट ले ली ना, यह आया इंटर, यह ली डेल्टा एक्स टू। इसका एक ट्रिक भी आपको बताएंगे याद करने का, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है, वी वन, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस तरफ है वो हम क्या कह लें कि ये क्या है, वी टू है। ओके हो गया। प्रेशर, प्रेशर वाली टर्म यहाँ पर समझने वाली है, अक्सर बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लूइड पे प्रेशर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ से पानी इंटर हो रहा है ना, ऐसे फ्लूइड में प्रेशर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बताएं, ये जो पहले से मौजूद फ्लूइड है ये पीछे आने वाली फ्लूइड पे किस तरह प्रेशर लगाएगा, उल्टी साइड पे, इनर्शिया की वजह से। याद रखना है कि ये जो पहले से फ्लूइड मौजूद है ये आने वाली फ्लूइड पे किस तरह प्रेशर लगाएगा, उल्टी साइड पे लगाएगा, याद रखना है। यहाँ पर प्रेशर इस साइड पर होगा, ठीक है, पी टू हम इसको लेंगे, ठीक है, उल्टी साइड पर यहाँ पर प्रेशर होगा, क्योंकि ये फ्लूइड चाह रहा है कि मैं इसको धक्का मारूं, लेकिन ये कहेगा ठहर तेरा मैं करता हूँ लॉज, तो ये इस पर प्रेशर इस तरफ अप्लाई करेगा, इनर्शिया की वजह से, एक जगह चाहता है कि मैं इधर ही रहूं, तो ये मतलब इनर्शिया की वजह से, ठीक है, ये प्रेशर इस तरफ अप्लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ से एक बार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है, तो मैं उसको ऐसे धक्का मार रहा हूँ, तो मैं उस पर फोर्स किधर लगा रहा हूँ, उधर लगा रहा हूँ, वो मुझे पे फोर्स इधर लगाएगा, तो ये मतलब ये वाला फ्लूड आने वाले फ्लूड पे फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है, इस वजह से प्रेशर की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी थी जो हमने लिख ली।
अब हम देखते हैं उस ट्रिक के बारे में कि वो ट्रिक क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर हम वर्क फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां पर भी हम वर्क फाइंड करेंगे कि कितना वर्क हुआ है, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की टर्म निकल आएगी। ठीक है, यानी हमने फाइंड क्या करना है, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, कि यहां पर कितना वर्क हो रहा है और यहां पर कितना वर्क हो रहा है। तो जब ये फाइंड कर लेंगे फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास एक प्रेशर की वैल्यू आएगी और वहां से हम सारी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, तो इसको देखते हैं ये किस तरह से हुआ है। आसान सा इसका हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूं फिर F1 डेल्टा X1, इसको मैं लिख लेता हूं F2 डेल्टा X2। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी होता है ना, तो D की जगह डेल्टा X1 लिख लिया। अब मैं पहले F1 फाइंड करूंगा, फिर डेल्टा X फाइंड करूंगा, फिर इधर पुट करूंगा, फिर F2 फाइंड करूंगा, फिर डेल्टा X2 फाइंड करूंगा, फिर इधर पुट करूंगा, तो प्रेशर की एक टर्म निकल आएगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो F1 क्या होता है, देखो प्रेशर क्या होता है, P1 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, यही होता है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से फोर्स क्या निकलेगी, P1A1, सिर्फ इसकी बात करें अपर एंड की, इसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा, P1A1। अब F1 is equal to P1A1, ये तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर जो फोर्स है जो इस तरफ फ्लूड उस पर लगा रहे वो कितनी है, F2 is equal to P2A2, ओके हो गया, P2A2। अब यही वैल्यू उठाकर आपने उधर पुट कर देनी है, तो जब उधर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, F1 की जगह पुट कर दें P1A1, F1 की वैल्यू निकाली अपर एंड, F2 की वैल्यू लोअर एंड, ये जो इधर फोर्स लग रही है, वन कितना है, P1A1 डेल्टा X1 प्लस ये कितना है F2 P2A2 और डेल्टा X2 उसी तरह, ओके हो गया। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज इसकी, सही है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, P1A1 डेल्टा X1 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैं देख के आ चुके हैं, S इज इक्वल टू वी टी, एस मतलब ये जितना डेल्टा X1 है इसको आप डेल्टा X1 कंसीडर करें, इज इक्वल टू, देखिए सोना नहीं है जाके रहना, इधर ध्यान हो, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन लेंथी है लेकिन ध्यान इधर समझ सारी आ जाती है, तो V1 डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा X1 को मैं V1 डेल्टा T लिख सकता हूं, सेम डेल्टा X2 क्या हो जाएगा इधर का V2 डेल्टा T, ओके हो गया। अब ये वैल्यूज उधर पुट कर देनी है, तो डेल्टा X1 की जगह क्या पुट करें, V1 डेल्टा T1 और प्लस P2 A2 और V2 डेल्टा T2, ओके। डेल्टा T इसके लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम टाइम डेल्टा T में हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो P1 A1 V1 डेल्टा T प्लस P2 A2 V2 डेल्टा T। ठीक है, अब क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पे ये देखिए ये चीज सारी मिलके क्या बना रही है, ये चीज सारी मिलके बना रही है वॉल्यूम को, यहां पर देखें एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू डिस्टेंस क्या बनाता है, वॉल्यूम बनाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बता के आ चुके हैं। यहां पर देखें अगर मैंने फिर से बता देते कि अगर इस मार्कर का वॉल्यूम मुझे निकालना हो तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये इसकी लेंथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस मार्कर का वॉल्यूम निकल आएगा, और इसी तरह अगर मुझे इतने हिस्से का वॉल्यूम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन इंटू डेल्टा एक्स वन करेंगे तो ये सारा वॉल्यूम निकल आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन इंटू डेल्टा एक्स वन निकल करेंगे तो ये वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ए वन डेल्टा एक्स वन, इसी को मैंने लिखा था ए वन वी वन डेल्टा टी, तो इसको फिर मैं वॉल्यूम लिख दूंगा, तो पी वन और इस सारे की जगह मैं क्या लिख दूंगा वी प्लस पी टू और इस सारे की जगह क्या लिख दूंगा वी। ठीक है, वॉल्यूम यहां पर और यहां पर सेम है, जितना वॉल्यूम आ रहा है उतना वॉल्यूम जा रहा है, तो यहां पर डब्ल्यू, ओके हो गया, यहां तक कोई मसला, इज इक्वल टू वी कॉन्स कॉमन आ गया तो
यहां पर एक और चीज आएगी, एक और चीज, लास्ट चीज इसमें रह गई है। देखिए यहां पर प्रेशर है इस डायरेक्शन में, यहां पर प्रेशर P2 इस डायरेक्शन में, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, माइनस P2 V। ओके हो गया, तो क्या आ जाएगा P1 V माइनस P2 V, तो V P1 माइनस P2 और यहां पर क्या आ जाएगा V आ जाएगा। सही है वर्क, ये वर्क हमारे पास हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब हम निकालते हैं ये जो प्रेशर एनर्जी निकल आई, अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि हमने निकाल दी है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, फिर इन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक इसको इक्वेशन वन का नाम दे लें। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्केयर, एम वी टू का स्केयर माइनस हाफ एम वी वन का स्केयर। ठीक है, मैथ चेंज नहीं हो रहा, ये हमारे पास होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए ना पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ओके हो गया, अब तीनों टर्म निकल आई हैं, तीनों टर्म हमारे पास निकल आई हैं। कैसे निकल आई हैं, वर्क भी निकल आया, ठीक है, इन टर्म ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हमने फाइंड करना था, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी निकल आई, और उसके बाद हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आई। अब हम लास्ट में एक स्टेप रह गया है, बस वो काम उसका करते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से रेस कर दूं, तो होप्स हो कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ के आ चुके हैं, वर्क क्या होता है, वर्क हमारे पास जो टोटल नेट वर्क होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। तो वर्क टोटल कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क की भी यूनिट जूल होती है और पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। ठीक है, बोर नहीं होना, ध्यान इधर हो, अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें, काम खत्म करें। पी वन माइनस पी टू, पी वन माइनस पी टू इन टू वी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें, वन बाय टू एन वी टू का स्केयर माइनस 1 बाय टू एम वी वन का स्केयर। ओके हो गया, दरमियान में फिर प्लस एम जी एच टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस एम जी एच वन। ओके हो गया, यहां पर देखें क्या मैं वॉल्यूम की जगह पुट कर सकता हूं, वॉल्यूम क्या होता है, रो इज इक्वल टू, यहां पर कर लेते हैं, रो इज इक्वल टू एम बाय वी। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम को लिख सकता हूं m बाय रो, ठीक है, वॉल्यूम इधर चला जाएगा, रो नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, m बाय रो, तो p1 माइनस p2 m बाय रो इज इक्वल टू 1 बाय टू, यहां से हम सॉरी m यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, m को अगर हम यहां पर कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, 1 बाय टू वी टू स्केयर माइनस वन बाई टू वी वन स्केयर प्लस जी एच टू माइनस जी एच वन। ठीक है, एम मैंने कॉमन ले लिया, ये एम ये एम ये एम ये एम, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये एम इस एम से काट गया क्योंकि नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा, और यहां से गौर से सुनना है, इस रो को सब के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखें एम यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, एम एम से काट जाएगा और रो को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसे आ जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 बाय टू, ये रो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो रो V2 स्केयर माइनस ये रो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 बाय टू रो V1 स्केयर, ये रो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस रो GH2, ये रो इसके साथ भी हो गया माइनस रो GH1। ओके हो गया, अब यहां से मुझे रेज करना पड़ेगा, इसको नोट करना है, बल्कि नोट करना है या स्क्रीनशॉट खींचना है, इसका खींच लें। यहां से अब हम यहां पर चलने वाले हैं, इसको मैं रेज करने वाला हूं, बस एक दो स्टेप इसके रह गए। ठीक है, ये सारा रेज, इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 बाय टू रो वी टू का स्केयर
1 बाई टू रो वी टू का स्केयर माइनस है 1 बाई टू रो वी वन का स्केयर प्लस रो जी एच टू प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, जितनी यहां पर नेगेटिव वाली टर्म है ना सारी उठाकर इधर ले आए। नेगेटिव वाली कौन कौन सी टर्म है? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसको उठाकर इधर ले आए और इस P2 को उठाकर इधर ले जाए, या इन शॉर्ट ये कि जिनके साथ 1 लगा हुआ है ना वो सारी लेफ्ट साइड पर ले आए, जिनके साथ 2 लगा हुआ है वो सारी राइट साइड पर ले जाए। तो इसके साथ 1 लगा है तो इसको इधर ही रहने दें P1। अब ये इज इक्वल टू का साइन है दरमियान में, इसके साथ 2 है नहीं इसको नहीं उठाएंगे, इसके साथ 1 है इसको उठाकर इधर ले आए प्लस 1 बाय 2 रो वी वन का स्केयर, इसके साथ जी एच वन नेगेटिव है इसको उठाकर इधर ले आए प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू, यहां पर क्या बात किया 1 बाई टू रो वी टू का स्केयर और प्लस रो जी एच टू और ये पी टू उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस पी टू। ये वही इक्वेशन ही मान गई, अगर इसको थोड़ा सही करके लिखें पी वन प्लस 1 बाई टू रो वी वन का स्केयर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू पी टू प्लस 1 बाई टू रो वी टू का स्केयर प्लस रो जी एच टू। यही तो हमें कहती है बर्नौली इक्वेशन कि सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। ये जो हम कह रहे हैं ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हमने छोटे से वॉल्यूम कंसीडर किए हुए हैं कि इसमें प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उन सब का जो सम होगा वो सेम आएगा। सेम इसी तरह ये जो हमने वॉल्यूम से कंसीडर किया हुआ है इसमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम उसको भी ले सकते हैं, उसको भी वॉल्यूम सेंस में ले सकते हैं, आंसर हमेशा वो प्रेशर वाला ही आएगा। तो उसको भी हम इन तीनों का यहाँ पर सम करें तो फिर भी आंसर सेम आएगा। तो फिर इसको मैं लास्ट में लिख सकता हूँ कि पी प्लस हाफ रो वी स्केयर ये वेलोसिटी वाला है प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें कहती है बर्नौली इक्वेशन और ये किस लॉ को फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी की तो बात हम इसमें कर रहे हैं, एनर्जी क्या रहती है इसमें? कंजर्व रहती है। जो टोटल एनर्जी यहां पर वही टोटल एनर्जी यहां पर, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि जितना मैस आ रहा है उतना मैस जा रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें होल्ड करता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बर्नौली इक्वेशन, होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।